श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक इस सभागार के पूर्व सदस्य जो पिछली 7 बार दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र से सांसद के नाते से चुन के आते थे, लेकिन दुर्भाग्य से 35 साल तक जिन्होंने सांसद सभागृह में बैठना जिनके सौभाग्य में था, ऐसे सदस्य को दुर्भाग्य से आत्महत्या करनी पड़ी, खुदकुशी करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ प्रशासन के कई अधिकारियों ने उनके जीवन हराम कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, जो मोहन देलकर जी थे मुंबई में जाकर उन्होंने साधारण सा होटल में हो रहे और वहाँ आत्महत्या की, और आत्महत्या करने के पहले जो खत उन्होंने लिखा था, वो खत अगर पढ़े, गुजराती में खत लिखा था, अगर वो खत पढ़े तो उसके माध्यम से मालूम हो रहा है कि मोहन देलकर जैसे सीनियर खासदार को, संसद को दादरा के प्रशासनिक अधिकारियों ने कैसी तकलीफ दे चुकी है। मैं सारे सभागृह के सदस्य को बोलना चाहता हूँ, एक नया सदस्य चुन के आते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन 35 साल जिन्होंने अपनी आयु इस सभागृह में रखी थी, ऐसे सदस्य को खास करके खुदकुशी करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, एक 2 मिनट ज्यादा दीजिए। उसके पहले मोहन देलकर जी ने प्रिविलेज कमिटी में जाकर अपनी व्यथा रखी थी। इस लोकसभा के अध्यक्ष, सम्माननीय अध्यक्ष जी को भी उन्होंने खत लिखा था, अध्यक्ष जी ने प्रिविलेज कमेटी के पास दिया। प्रिविलेज कमेटी 12 फरवरी को जब हुई, तभी मोहन देलकर जी ने ये सारा लेटर सारे सदस्य को दिया और कमेटी में कहा, अगर ये नहीं तो आप रोके तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य को ऐसा बताने का वक्त क्यों आ रहा है? और उन्होंने लेटर में लिखा है, एक साधारण सा वहां का प्रशासक, साधारण सा कलेक्टर, एसपी, एक 35 साल के संसद को इतना हैरान कर सकते हैं? कोई विश्वास नहीं रख सकता है। महाराष्ट्र के सरकार, जो महाविकास आघाड़ी का सरकार है, उन्होंने इस सारे प्रकरण का इंक्वायरी करने के लिए एटीएस का निर्माण किया है। इसके लिए महाविकास आघाड़ी उसकी अच्छी तरह से जांच कर रही है। लेकिन मेरी विनंती है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इस सभागृह का जो सदस्य 35 वर्ष तक रह चुका है, ये मोहन देलकर जी ने अपनी तकलीफ सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास रखी, लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी उसको न्याय देने का कोशिश किया। मेरी विनंती है आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि मोहन देलकर जी के आत्महत्या के लिए जो कारण है, जो जिम्मेदार है, ऐसा वहाँ का प्रशासक, वहाँ के एसपी, वहाँ के कलेक्टर, इनको सारे को सस्पेंड करें और उनके ऊपर 304 के अंदर कार्रवाई करें, उनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए और मोहन जी के मृत्यु को न्याय देने की आवश्यकता है।